Let's start with distillation method. तो मैंने आपको कल दिखा दिया था apparatus कैसा था, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं. Okay, procedure is clear to you? Yes, ma'am. कोई doubt किसी को? हो गया clear? तो जैसे हमने acetone और water की example ली थी, where the acetone it was having the boiling point of 56 degree Celsius and water का 100 degree Celsius. In the similar way, you can take the mixture of alcohol also. Methyl alcohol ले सकते हैं और उसके साथ water का mixture ले सकते हैं. Again, they are having some sufficient difference in their boiling point. इसका 65 है, इसका 100 degree Celsius. Okay, similarly, you can take for ether and toluene. Similarly, you can take the example of ether. ये सारे organic solvents हैं बेटा. हाँ जी बेटा, acetone का 56. ठीक है, यहाँ पर इनके actually kelvins में दिए हुए हैं. 308 है kelvin and 384. ठीक है, तो अगर मैं degree celsius में देख रही हूँ या kelvin में देख रही हूँ, जो भी scale आप देख रहे हो, आपने बस ये देखना है that they should be having at least a difference of 25 between them. Either you are taking in degree Celsius or either you are taking in the Kelvin scale. ठीक है, 25 तक का difference जो है वो होना चाहिए. इससे क्या होता है, जो एक liquid बन गया है वो immediately जो है वो ठंडा हम कर लेते हैं जब तक दूसरा form होना शुरू होता है. Okay, right? So you can write down for benzene and anil. हाँ जी, सॉरी, थर्ड वन ईथर. ईथर का 308 केल्विन है, टॉल्यूइन का 384 केल्विन है. सेम है, दोनों मिक्सचर्स ले रहे हैं हम. ठीक है, अगेन क्योंकि इसका कम है तो इसके वेपर्स पहले बन जाएंगे, इसके वेपर्स बाद में बनेंगे, राइट. सिमिलरली यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ बेंजीन एंड एनिलीन. बेंजीन एंड एनिलीन, वेयर द बेंजीन इज हैविंग the boiling point as 342 और इसका है 384 aniline का. ठीक है जी, तो ये आप different different examples दे सकते हो. plus एक चीज और important है यहाँ पर, आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है. एक तो जो difference होना चाहिए वो 25 का होना चाहिए, और दूसरी चीज जो आप दोनों लिक्विड ले रहे हो वो हीट करने पर डीकम्पोज नहीं होना चाहिए. ठीक है, किसी चीज को हीट कर रहे हैं तो वो चीज जो है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हमने उसको उसी ही फॉर्म में जो है क्या करना है, सेपरेट करना है. सो दिस प्रिंसिपल इज अप्लाई टू दोज लिक्विड दैट डोंट डीकम्पोज ऑन हीटिंग. जो लिक्विड जो है वो अपना मॉलिकुलर स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं, रिटेन्ड रखते हैं, जितना मर्जी उनको हीट कर लो, हम उन लिक्विड्स को यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे. यहाँ पर तो हम इनडायरेक्ट दे रहे हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हमेशा इनडायरेक्ट हीटिंग देनी है. हाँ, हो सकते हैं क्योंकि बहुत लाइटर होते हैं ना ये, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, फोर्सेस इनके बीच में अलग से ऑपरेट होती है, तो वो सारा आप आगे जाके पढ़ोगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का. ठीक है, राइट, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, आप टेंथ में पढ़ोगे ये सारे. कार्बन की बॉन्डिंग होती है, डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो वो टूट जाते हैं. ठीक है, तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, राइट. नेक्स्ट राइट डाउन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. आप एट्थ में कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर पढ़ के आए हो, उसमें आपने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ के आए हो. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ के आए हो. हाँ, पेट्रोलियम की रिफाइनरी की थी ना आपने. जब आप पेट्रोलियम की रिफाइनरी करते हो तो उसमें से आपको पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, अदर रेजिड्यूज जो है वो ऑब्टेन होते हैं. ठीक है, तो रिफाइनरी करने का मतलब क्या है,
रिफाइनिंग का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, हमने उन सबको क्या किया है, अलग किया, ऐसे ही है ना। तो सेम इज द केस विद द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये मेथड हम वहां पर एम्प्लॉय करते हैं जहां पर हमने किसी चीज के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करना, ठीक है। अब कॉम्पोनेंट सेपरेशन के लिए हम डिस्टिलेशन भी तो यूज कर सकते हैं, व्हाई वी आर प्रेफरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वहां पर भी तो हम सेपरेट ही कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। हम किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं और उसके कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने दो का मिक्सचर लिया, आप तीन का मिक्सचर भी तो ले सकते थे। जैसे फर्स्ट का अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो पहले वाला कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा। सपोज इफ आई हैव टेकन एसीटोन, ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। सपोज मैं कोई और अल्कोहल ले रही हूँ जिसका एसीटोन और उसके बीच में जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, सपोज लेट इट बी 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिफरेंस थोड़ा ज्यादा रखते हैं। तो मैं तीन का मिक्सचर भी तो ले सकती थी, पहले इसमें इवेपोरेट हो जाना है, वेपोराइज हो जाना है, फिर इसमें वेपोराइज हो जाना है, देन इन द लास्ट कंपोनेंट इट विल बी, ठीक है, वाटर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। नाउ व्हाई वी आर प्रेफरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द फर्स्ट रीजन इज कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम उन चीजों के लिए भी एम्प्लॉय कर सकते हैं दैट आर हैविंग द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट लेस देन। अब सपोज मेरे पास कोई ऐसे लिक्विड्स हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 से कम है, तो मैं कौन सा मेथड एम्प्लॉय करूंगी, आई विल नॉट बी एम्प्लॉइंग डिस्टिलेशन इन दैट केस, आई विल बी एम्प्लॉइंग विच मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का काम समझ आ गया, ठीक है। हाँ जी, वो इस कंटेक्स्ट में था कि मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं ना, हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास अगर तीन कंपोनेंट्स हैं तो मैं तीनों को सेपरेट कर सकती हूँ ना। मैं ये बता रही थी कि हमने दो की बात की, हम तीन की भी बात कर सकते हैं, तीन कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द सेम वे जैसे आप पेट्रोल के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करते हो, हम लिक्विड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। बट वाई वी आर एम्प्लॉइंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हेयर, बिकॉज इन केस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हेयर वी विल बी टेकिंग द लिक्विड्स that are having the difference in the boiling point less than 25 Kelvin or less than 25 degree Celsius, ठीक है। अब चीज सेम है, यहाँ पर आप फ्लास्क लगाते हो, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ठीक है, उसके बीच में आपने अपना लिक्विड लिया हुआ है, ओके। बस यहाँ पर एक हम एक्स्ट्रा चीज एड करते हैं, दैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर हम एक और कंडेंसर फिक्स करते हैं, कंडेंसर दिखाया था ना मैंने कल आपको, ठीक है, हम एक और कंडेंसर फिक्स करते हैं। उस कंडेंसर के अंदर क्या होता है, उस कंडेंसर के अंदर होते हैं ग्लास बीड्स, दैट कंडेंसर इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ग्लास बीड्स। अब ग्लास के बीड्स का काम क्या है कि वो जो इन वेपर्स को, यहां से जो वेपर्स निकलेंगे उनको ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता, उनको ज्यादा क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया, जिससे क्या होगा, जो भी आपके लिक्विड्स निकल रहे हैं वो जल्दी कूल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। मेन तो ये है ना कि मेरे पास अब देखो जो लिक्विड्स हैं दे आर हैविंग एक्चुअली देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस, तो बहुत जल्दी जल्दी कॉम्पोनेंट्स जो है वो इवेपोरेट करना शुरू कर जाएंगे, वेपोराइज होना शुरू हो जाएंगे, तो मुझे उतनी ही जल्दी उनको ठंडा भी तो करना पड़ेगा, सेपरेशन के लिए करना पड़ेगा ना। अगर कंपोनेंट्स एक के बाद एक वेपर स्टेट में जा रहे हैं तो उतनी ही फास्टली हमारा सेपरेशन का प्रोसीजर भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने कंडेंसर फिक्स किया है वो एक्चुअली सेपरेशन का ही एक मेथड है। यहाँ पर जो वेपर्स बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म हो रहे हैं ऑन पासिंग दीज ग्लास बीड्स, दे विल बी गेटिंग कंडेंस्ड फास्ट, ठीक है, जल्दी से लिक्विड में चेंज हो गए, फिर उसको आपने नेक्स्ट कंडेंसर में से पास करना है और ज्यादा लिक्विफाइड हो जाएंगे एंड देन यू विल बी कलेक्टिंग देम, ठीक है। बस एक यहाँ पर ये चीज जो है वो डिफरेंस है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द मेथड इज सेम। तो ड्रॉ कर लो अभी इसका डायग्राम।
बाकी सारी चीज सेम है, बस मैं यहाँ पर जो मेन है वो बना देती हूँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है, रेस्ट ऑल द डायग्राम इज सेम जो आप कल पढ़ के आए हो। यहाँ पर मैं डिस्टिलेशन फ्लास्क बना देते हैं। बेटा मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं डायग्राम आपसे कंप्लीट करवाऊंगी, फिर कल वाला ही है, कोई नया नहीं है। सो हेयर द रोल ऑफ थर्मामीटर इज नॉट देयर, थर्मामीटर तो हम चाहिए नहीं क्योंकि हमें पता ही है ऑलरेडी कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, तो इमीडिएटली हमने उसको क्या करना है, कूल डाउन करना है, ठीक है। सो बना लो बेटा यहाँ पर, ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर ग्लास बीड जो है वो अरेन्ज की हुई, एज आई टोल्ड यू, देयर आर ग्लास बीड दैट आर फिक्स्ड ऑन, ठीक है जी। हमने यहाँ से इसको होल्ड करवाया हुआ है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के यहाँ से आपका दूसरा कंडेंसर जो है वो पास हो रहा है, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, डायग्राम कल वाला ही है, मैंने बताया, बस एक कंपोनेंट हमने इसमें ऐड किया है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, बाकी सारा डायग्राम सेम है कल वाला, सिर्फ यहाँ पर हमने एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा लगाया। यहाँ पर आपने मिक्सचर लेना है एंड यू विल बी हीटिंग दिस मिक्सचर, ठीक है, दीज आर ग्लास बीड्स and this is condensed. सेकेंड में फर्दर कूल डाउन होता है, दोनों चीजें कंडेंसर का ही काम कर रही है, हमने वेपर्स को जितनी जल्दी हो सके ठंडा कर लेना बस, ताकि हमारा जो एक कॉम्पोनेंट वेपराइज होके आया है उतनी ही जल्दी उसको ठंडा करके कलेक्ट कर लेना, ठीक है। टेम्परेचर तो राइज करेगा क्योंकि आप नीचे से हीट कर रहे हो उसको, ठीक है। हाँ, लिक्विफाई यहाँ पर भी आप उसको लिक्विफाई ही कर रहे हो, ये दोनों कंडेंसर का ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी उसको कंडेंस कर रहा है, ये उसको ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो वेपर्स हैं वो जल्दी कूल डाउन हो जाए, उसके बाद जो फर्दर रह जाते हैं वो फर्दर लिक्विफिकेशन इसमें होती है, ठीक है। काम दोनों लिक्विफिकेशन का कर रहे हैं, कंडेंसर का काम कर रहे हैं, कंडेंसर में से पास हो गया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे तो वी विल बी चेंजिंग द कंटेनर एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पंचवा, जैसे आप पेट्रोलियम की रिफाइनरी पढ़ के आए हो, आपने ऐसे करके कुछ बनाया था ना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, याद है, यहाँ पर आपने इसको क्रूड ऑयल के सैंपल के साथ कनेक्ट किया था, फिर आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स थे वो ऐसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में आ रहे थे, याद आया, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है बेटा। यहाँ पर एक्चुअली ये ट्रेज होती हैं, ये ट्रेज होती हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे अरेंज हैं, जैसे ही आपका एक कंपोनेंट जो है वो वेपराइज होना शुरू होता है तो वो ऊपर ऊपर जाता है एंड इट स्टार्ट्स कलेक्टिंग ऑन दीज ट्रेस, ठीक है, फिर कम बॉइलिंग पॉइंट वाला, फिर कम, ऐसे जो है वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दिस वे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं।
हो गया क्लियर? ठीक है, अब ये मेथड हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया, वी कैन सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम की रिफाइनरी में यूज करते हैं, और कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं? गैसियस स्टेट्स के लिए, सेपरेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एयर। तो एयर के अगर कॉम्पोनेंट्स आपने सेपरेट करने हैं, तो वहां पर हम इस मेथड को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर। अब आप सबको पता है एयर किस किस की बनी हुई है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आर्गन गैस है। ठीक है, तो हमने इन सबको क्या करना है? सेपरेट करना है। नाउ दीज गैसेस दे विल बी हैविंग देयर डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, सो यू कैन नोट डाउन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज -183 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज -183 डिग्री सेल्सियस। माइनस में है बेटा, 183 डिग्री सेल्सियस फॉर द ऑक्सीजन। फॉर द आर्गन दैट इज -186 डिग्री सेल्सियस। फॉर द नाइट्रोजन दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले सेपरेट कौन होगा? हाँ जी, सबसे पहले कौन सेपरेट होगा? माइनस जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है ना, तो पहले कौन सा सेपरेट आउट होगा? नाइट्रोजन। दिस कॉम्पोनेंट इट विल बी सेपरेटेड फर्स्टली, देन आर्गन एंड देन। ठीक है जी, तो काम हमने सेम करना है। अब वेन एवर वी टेक द कॉम्पोनेंट इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, तो हम तो लिक्विड ले रहे थे अभी तक, हम तो कॉम्पोनेंट्स लिक्विड की बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम भी जो था, क्रूड ऑयल दैट वॉज इन द लिक्विड स्टेट, वाटर लिया दैट इज ऑल्सो इन द लिक्विड स्टेट, एसीटोन वाटर का मिक्सचर लिया वो भी तो लिक्विड स्टेट में है, तो फिर मैं यहाँ पर गैस कैसे ले सकती हूँ? डिस्टिलेशन फ्लास्क में मैं कैसे गैस फिल करूंगी? तो वी कैन लिक्विफाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो एयर है उसको क्या कर लेंगे? वी विल बी लिक्विफाइंग इट एंड वी विल बी टेकिंग लिक्विफाइड एयर। तो हम यहाँ पर लिक्विफाइड एयर लेंगे। अब आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो डैट हाउ वी कैन ब्रिंग अबाउट द लिक्विफिकेशन प्रोसेस, डिक्रीज इन टेम्परेचर and increase in pressure. यही करेंगे हम एयर के ऊपर क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, तो वो एयर जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। दैट विल बी द कंप्रेस्ड एयर और द लिक्विफाइड एयर। दिस लिक्विफाइड एयर वी विल बी कलेक्टिंग इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, इसको हम क्या करना शुरू करेंगे? हीट करना शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट हीटिंग इट। टेम्परेचर आपको समझ आ गया नेगेटिव में क्यों लिए हुए हैं इनके? क्योंकि हम इनका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? कम करवा रहे हैं। डिक्रीज इन टेम्परेचर इज देयर। ओके, तो फिर जब हम इसको टेम्परेचर इसका राइज होना शुरू होगा धीरे 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 धीरे, तो एट दीज टेम्परेचर दीज थ्री कॉम्पोनेंट दे विल सेपरेट आउट। नाइट्रोजन सबसे पहले सेपरेट आउट हो जाएगा, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन, क्योंकि डिक्रीज इन टेम्परेचर है ना। डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी कम है, दे आर नॉट मूविंग एट ऑल। ठीक है, तो हम पढ़ के आए हैं ना कि जब हमने कंप्रेशन करनी होती है तो हमने उनका मॉलिक्यूलर मोशन रिस्ट्रिक्ट करना है। मॉलिक्यूलर मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे।
डेंसिटी की ही बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे गैस है, गैस के पार्टिकल्स ऐसे स्कैटर्ड हैं, जब आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो गैस के पार्टिकल्स अब पास आ गए ना, ठीक है, उनका मॉलिकुलर मोशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, इसीलिए आपने इजिली उनको क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया। ओके, हेयर द कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे सेपरेट करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ड्राई कोल्ड और ड्राई आइस, ठीक है। हाँ जी, ड्राई कोल्ड हम कैसे बनाते हैं, कंप्रेस करके, ठीक है। तो व्हेन वी आर ब्रिंगिंग द कंप्रेशन, उस पॉइंट पे क्या करेंगे हम, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमने कंप्रेस कर लेना है सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो जो ड्राई आइस है या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने वहां पर उसको एज इट इज एक्सट्रैक्ट कर लेना है, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको हीट करके फ्रैक्शनेटिंग टावर में उसको सेपरेट कर, समझ आ गया, एयर की सेपरेशन कैसे करनी है हमने, ठीक है। तो जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वो सारा सारी चीजें आपका डायग्राम डिपिक्ट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, अगर आपने पेज टिल्ट करके बनाना है तो पेज टिल्ट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। So here we are taking the air, ठीक है, एयर के ऊपर हमने सबसे पहले क्या अप्लाई करना है, ठीक है। So we will be applying pressure on the air. तो यहाँ पर मैंने दो पिस्टन्स अटैच किए हैं, राइट, हियर देयर आर टू पिस्टन्स दैट आर अटैच्ड ऑन एयर इन, ठीक है, इसके अंदर हमने एयर जो है वो पास करवाई है, राइट, एंड हियर फ्रॉम दिस साइड जो कंप्रेस्ड एयर है वो हमने बाहर निकाल लेनी है, that will be moving to the next chamber, last second x sit straight, बना लो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है सारा आपको, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेपरेशन ऑफ एयर, तो जो एयर के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं हम उनको सेपरेट कर रहे हैं, जी बिल्कुल बेटा, इट इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी,
लास्ट सेकंड एक्स सीधे बैठो, ठीक है।